अंकल मॉम इस शादी पे एग्री नहीं है। यस आई नो, मुझे सब पता है। फिर भी आप? यस माय सन, बिकॉज शी लव्स यू अ लॉट। मैं भी जैनी से बहुत प्यार करता हूँ अंकल। वो लोग मॉम को रूम में ले जा रहे हैं। थैंक्स गॉड। तुम कौन को थैंक्स काय को करता है? तुम्हारा विश तो पूरा नहीं हुआ। यू ट्राइंग टू इंसल्ट मी दिस? आई एम नॉट ट्राइंग, आई एम इंसल्टिंग यू। दिस इज लिमिट पीटर। हे भगवान, कितनी प्यारी है लक्ष्मी बहन ने हम पर बहुत अन्याय किया जो तुम्हें हमसे इतने अरसे छुपाए रखा। कीमती चीजों को बुरी नजर से छुपाया जाता है। हम तो तुम्हारे अपने हैं। माफ कीजिएगा, इस बात का फैसला होना अभी बाकी है। माँ, मैं ताया जी के घर से पिताजी का नंबर लेकर आ गई हूँ और अब मुझे जब भी बात करनी होगी मैं इसी घर से बात करूंगी, समझ गई आप? यहाँ से ऐसा कुछ नहीं होगा, ये मेरा घर है। माँ, शायद आप भूल रही हैं कि ये हमारा भी घर है। ये घर सिर्फ मेरा है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। तुम अखबार नहीं पढ़ती? रोज कोई ना कोई खबर होती है कि शोहर ने बीवी को मार दिया, बाप ने बच्चों को कत्ल कर दिया। अभी कुछ अरसा पहले एक आदमी ने अपने 6 साल के बच्चे को और बीवी को कत्ल कर दिया और कहा कि मुझे काम में हुक्म मिला था कि इन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। नहीं नहीं अल्ताफ, ऐसा नहीं कर सकता। जवेरिया, खुर्रम, सारा, कहाँ हो तुम लोग? या अल्लाह खैर, या अल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र। ये क्या? एप्लीकेशन हाथ से लिखेंगे क्या? अरे नहीं, सलीम को दे दूंगा, कंप्यूटर पे बना देगा। अच्छा ये बताएं कि कौन से कपड़े इस्त्री कर दूं? अपनी कोई भी साड़ी कर दो। मैं भी तो आपको कह कह के थक गई, आप नए कपड़े लेते ही नहीं है। अरे दो चार जो हैं बहुत हैं। अबे फोन तो देखो। अल्ताफ नहीं जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी हैं जी, मैं बात कराती हूँ। सलाम अलैकुम अल्ताफ भाई जी। मैं हम अभी आते हैं जी। जी आ रहे। क्या हुआ, खैरियत है ना? आप घर छोड़ के चले गए। क्या रबिया, हमें फौरन वहां पहुंचना होगा। अच्छा मैं जल्दी से आपके कपड़े इस्त्री कर देती हूँ। गोली मारो कपड़ों को, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तुम कपड़े बदलो और सुनो, अम्मा अब्बा को कुछ नहीं कहना। खबर उनको बता देना चाहिए, पता नहीं कल को क्या हो। ठीक है तुम चेंज करो, मैं उनको बताता हूँ। अच्छा वो सुंबल और अख्तर आपा के साथ ही है। ओके। मेरे लिए इससे ज्यादा जिल्लत और क्या हो सकती है? वो बहुत जज्बाती लड़की है, ये खुदकुशी ना कर ले। खुदा के लिए अम्मा, कभी तो मुंह से अच्छी बात निकाला करें। इससे बेहतर है कि वो मर जाए। उसने हमारे चेहरे पे कालक मल दी है। खबर, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं तुम्हें जाने की, वहां तो बनती बात भी बिगड़ जाएगी।
خاور بیٹا ذرا حوصلے سے بات کرنا الطاف ہمارا داماد ہے بیٹا آپ پریشان نہ ہوں میں بھائی جان کو سنبھال لوں گا لیکن آپا بیٹا تم نے فون کیے ہیں انہیں خاور میں بار بار آپا کو ٹرائی کر رہی ہوں پر وہ ریسیو ہی نہیں کر رہے آپ لوگ حوصلہ رکھیں میں انہیں ڈھونڈ لوں گا گاڑی احتیاط سے چلانا بیٹا چلو میں آتا ہوں چلو رکھو خیر سیمی آپ کچھ بتا سکتی ہیں کہ آپا کہاں جا سکتی ہیں میں تو خود حیران ہوں مجھ سے تو ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی وہ شیئر کرتی تھی محلے تو کیا پورے علاقے میں میرے سوا اس کی کسی سے بات چیت بھی نہیں تھی میرا خیال ہے کہ آپ لوگ میرا مطلب ہے کہ اسپتال وغیرہ میں بھائی جان میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر آپا اس طرح سے گئی ہیں تو کوئی تو وجہ ہوگی وجہ ہے بہت اہم وجہ ہے میں نے حرام کی کمائی سے توبہ کر لی ہے چھوڑ دی ہے وہ نوکری میں نے میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں سبحان اللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے پر تمہاری بہن کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا میں نمازیں پڑھتا ہوں تو وہ میرا مذاق اڑاتی ہے استغفر اللہ آپا ایسی تو نہ تھی تمہیں کیا پتا بیٹا وہ کیسی ہے آپ یہ سب چھوڑے میں انہیں سمجھاؤں گا اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ سمجھ جائیں گے تم بہت بھولے ہو خاور میں ہو جویریہ کے دو چہرے اور دو روپ ہیں ایک وہ جو اس گھر میں ہم دیکھتے ہیں اور دوسرا وہ جو تم لوگ دیکھتے ہو اور دنیا دیکھتی ہے بھائی جان آپ نے کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں میں تو ان سے کئی بار پوچھ چکی ہوں لیکن بھائی نہیں مجھے بھوک نہیں ہے تم ایسا کرو کہ میرے لیے چائے بنا کے لے آؤ بلکہ سب کے لیے چائے بنا لو جی میں بھی لاتی ہوں میں بھی ماری ہاتھ کے لاتی مجھے تو لگتا ہے کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گی کیا مطلب وہ بہت تنگ تھی الطاف بھائی سے ان کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی ان سے نفرت کرتی تھی کیا کہہ رہی ہیں آپ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں میں اس کی بیسٹ فرینڈ ہوں اور وہ مجھ سے کبھی کچھ نہیں چھپاتی تھی لیکن آپا نے تو کبھی اشاروں میں بھی ہم سے یہ بات نہیں کی کیسے ہو سکتا ہے بات تو ٹھیک ہے لیکن میرے خیال میں کہ اس عورت کو پتا ہے کہ جویریہ کہاں ہے اور جویریہ کے بھگانے ورگلانے میں اسی عورت کا ہاتھ ہے اگر ایسا ہے تو میں اس سے پوچھ لوں گا جویریہ کو بگاڑنے میں اسی کا ہاتھ ہے ہاں وہ ایک بات اور یاد آ رہی جاتے جاتے جویریہ گھر میں جو کچھ بھی پیسے موجود تھے نا وہ زیور اور پراپرٹی کے ڈاکومنٹس سب کچھ اپنے ساتھ لے گئی جب شوہر بیوی کو نظر انداز کرے تو بیوی کا دماغ خراب ہوتا ہی ہے لیکن گھر چھوڑ کے جانے والی عورت اپنے شوہر کی نظروں سے گر جاتی ہے ایک بات بتاؤں ابھی کچھ اور بھی باقی ہے جویریہ کو ایک لڑکا فون کرتا تھا لڑکا بھائی جان آپ
آپ کو معاف تو کر دیں گے نا؟ ہاں اگر اس نے میری عزت میری ناموس خدا نہ کرے ایسا ایسا سوچنا بھی خبر میں جانتا ہوں جانتا ہوں خبر لیکن میں کیا کروں خبر میں مجبور ہوں میرے دل میں وسوسوں اور اندیشوں کے سام لہرا رہے ہیں جو پل پل مجھے دس رہے ہیں خدا نہ کرے بھائی جان آپ اپنے دل میں شک کو جگہ نہ دیں آپا آپ کی بیوی ہے انہوں نے یہ قدم غصے میں اٹھایا ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ حق بجانب ہے یا ہم ان کی طرف داری کریں گے یا حوصلہ افزائی کریں گے اس قدم اٹھانے پہ خبر کیسے سمجھاؤں کس طرح میرے مالک خبر دیکھو وہ جہاں دیدہ عورت ہے جوان بچے کی ماں بھی ہے اسے جانے سے پہلے کم از کم اتنا تو سوچ لینا چاہیے تھا کہ وہ اپنے ساتھ ہماری بچی کو بھی لے جا رہی ہے خبر بخدا میں میرے سامنے اگر وہ آ جائے نا تو میں اس کے ساتھ کیا کروں کیا کروں گا مجھے خود بھی نہیں پتا پلیز آپ اپنے آپ پہ قابو رکھیں بھائی جان میں انہیں ڈھونڈ لاؤں گا حوصلہ رکھیے سب ٹھیک ہو جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا ماں مجھے اپنے پتا جی سے بات کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے آپ کی بھی نہیں اب تجھے اور نرملا کو میری ضرورت کہاں رہی نہیں ماں دیدی کا وہ مطلب نہیں تھا سمے بدل گیا ہے بچہ بڑا ہو جائے تو اسے سہارے کے لیے ماں باپ کی ضرورت کہاں رہتی ہے ماں میں انیل سے شادی کرنا چاہتی ہوں انیل میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کے ماتا پتا سے مل لیں اور انہیں شادی کی ڈیٹ دے دیں دیدی اتنا بڑا فیصلہ ایک دم سے کیسے کر لیا تم نے میں انیل کو کیا بتاؤں کہ آپ اس کے گھر والوں سے کب ملنا چاہتی ہیں کون ہے وہ کیسا پریوار ہے کیا کرتا ہے وہ یہ اور اس جیسے ماں آپ کے لیے اتنا جاننا ضروری نہیں ہے میں انیل کو پسند کرتی ہوں اسے شادی کرنا چاہتی ہوں اگر آپ اجازت دے دیں گی تو ٹھیک ہے ورنہ آپ کون ہے جس نے کانچ سمجھ کے توڑ دیا ہے تیرا دل ایسا ڈارک روم میں بیٹھ کر ٹیئرز گراتا ہے اس کا مطلب تم لوزر ہے میرے کو ہرانا اتنا آسان نہیں ہے پاپا آل رائٹ دین واٹ از دس لیو یو الون Oh, really? This is the right way. ارے تم خود میرر کا مافک ہے اور تم دوسروں کے اوپر سٹون تھرو کرتا ہے اور ریٹرن میں تم ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ تم کو فلاورز ملے گا پیٹر کبھی میرا نہیں بن سکتا کبھی نہیں تو تم پیٹر کا بن جاؤ
Yes. पर मारता उसको नहीं छोड़ेगी पापा. छोड़ना भी नहीं चाहिए. पीटर इज हर ओनली सन. वो क्यों छोड़े उसको? पापा, आई लव पीटर. आई डोंट बिलीव दिस. तुम उसको लव नहीं करता, तुम उस पे हुकूमत करना चाहता है. रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग. अच्छा, तुम अगर उसको लव करता है नहीं तो उसका फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करो, उसका प्रॉब्लम समझो. सैक्रिफाइस योर ईगो. किताबें और मेरी बात सुनो. तुम अपने आप को समझती क्या हो? क्या मुसीबत है? इस घर में हर आदमी हिटलर बना फिरता है. बात सुनो, तुम्हें सिर्फ एक कॉलेज की लेक्चररशिप मिली है, वहां की कोई मालिक नहीं बन गई हो तुम. और वो पिताजी, वो लंदन में एक डिपार्टमेंटल स्टोर के सिर्फ ओनर है, पूरे लंदन के मालिक नहीं बन गए वो. समझते क्या हो तुम लोग खुद को? अब इस बकवास के पीछे क्या छुपा हुआ है वो भी बता दो मुझे. दीदी, मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तुम्हें तुम्हें माँ से उस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी. वो हमारी माँ है. क्या क्या नहीं किया उन्होंने हमारे लिए, और तुम सिर्फ वो अनिल भैया और संतोष वर्मा के चक्कर में आके उनसे इतनी बदतमीजी कर रही हो. तुम कुछ भी कर लो ना, उनके बराबर नहीं हो सकती. और तुम्हें उनका अपमान नहीं करना चाहिए दीदी. निर्मल, मैंने माँ का अपमान नहीं किया. मैं बस अनिल से शादी करना चाहती हूँ. हाँ तो कर लो दीदी शादी, तुम्हें कौन रोक सकता है? कोई रोक सकता है तुम्हें? बहुत बातें कर रही है ना निर्मल, देख लूंगी तुझे भी. जब तेरा वक्त आएगा ना तो पूछूंगी तुझसे. मेरा वक्त आएगा ना तो मैं जरूर बात करूंगी माँ से, लेकिन तुम्हारी तरह ये जुबान पे अंगारे रख के बात नहीं करूंगी मैं. तेरे केस में तो माँ पागल हो जाएगी निर्मल. भगवान ना करे, भगवान ना करे कि कभी मेरी माँ को कुछ हो, और मैं उन्हें ऐसा दुख कभी नहीं दूंगी. तो वहां भी नहीं है? अच्छा, कुछ पता चला? नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला. तुम्हें नहीं पता, वो जिद्दी है. वो किसी रिश्तेदार को पसंद नहीं करती, नहीं मिलेगी किसी रिश्तेदार के यहाँ. मुझे लगता है कि वो अपनी किसी दोस्त के घर होंगी. मेरे ख्याल में हमें अब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा देनी चाहिए. नहीं भाईजान, नहीं. इस तरह तो हमारी बदनामी और रुसवाई में इजाफा ही होगा. हेलो, आप कहाँ हैं यार? मैं आ रहा हूँ. हाँ हाँ, अकेले आऊंगा, राबिया है मेरे साथ. कहाँ है आपा? पीसी में. इस औरत की हिम्मत तो देखो. हम आपा को लेकर अभी आते हैं, चलें. मुश्किल है, बहुत मुश्किल. उसे अगर वापस आना होता तो जाती क्यों? वो आएंगी, उन्हें आना होगा, मैं उन्हें वापस लाऊंगा. चलो राबिया, हमें अभी वहां जाना है. खावर, अगर सुबह होने से पहले पहले वो तुम्हें नहीं मिल सकी या तुम उसे नहीं ला सके तो ये समझ लेना कि इस घर के दरवाजे उस पर
हमेशा हमेशा के लिए बंद है, हमेशा हमेशा के लिए। चलो राबिया, आराम से, क्या जल्दी है? ने सुना नहीं, भाई जान ने सुबह तक की मोहलत दी। वो तो क्या हुआ, रिलैक्स, पीसी इतना दूर तो नहीं है। आप पीसी में नहीं है, हमारे घर पर है। मैंने भाई जान से झूठ बोला था। चलो राबिया। She's out of danger now. Peter? I'm sorry. It's okay. Really, I was wrong. मैं एजेंट को फोन करके मना कर दूंगी। मुझे वो फ्लैट अब नहीं चाहिए। I will live with you at your mother's house. Sure. 100%. अगर अल्ताफ पे इतने ही कीड़े थे तो इसकी शिकायत तुमने पहले क्यों नहीं की? आज इतना बड़ा कदम उठाया तुमने, क्यों? बेटा तुम लोग जरा उधर चलो, जाओ टीवी लगा के लाउंज में बैठो। मैं अब तक बर्दाश्त करती आ रही थी क्योंकि मुझे आप लोगों की इज्जत का ख्याल था। कौन सी इज्जत? वो जिसे तुम अपने पांव तले रौंद कर आई हो? अरे सारा इल्जाम तुम मेरी बच्ची को दिए जा रहे हो, उसे मत कुछ कहना जो इन सारी बातों का जिम्मेदार है। वो इनकी मरहूमा बहन का बेटा जो है। बकवास बंद करो। अगर वो मेरा भांजा है तो तुम मेरी बेटी हो, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारी तरफदारी करूंगा। पापा, पापा चलो उठो, बच्चों को लो और अभी अपने घर चलो वापस। मैं वापस जाने के लिए नहीं आई। बेटा तुम जाओ आराम करो, सुबह बात करेंगे। सुबह? कौन सी सुबह मां? अगर सुबह से पहले पहले अपने घर नहीं पहुंची तो नौबत तलाक तक पहुंच जाएगी। पापा, भाईजान ने तलाक देने की धमकी दी है। तो धमकी ही दे सकता है, से कहो कि हिम्मत है तो तलाक दे दे। बकवास बंद करो। आपने सारी सिचुएशन बताई है ना, तो हम अल्ताफ भाई से बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। अब और हमें लगता है कि उनका रवैया भी आपके साथ ठीक हो जाएगा। राबिया ठीक कह रही है आपा, कल मैं वहां खुद आऊंगा और भाईजान से तफसीली बात करूंगा, लेकिन प्लीज अभी आप अपने घर चलें। जवेरिया, खावर बिल्कुल ठीक कह रहा है, इस वक्त मामला बहुत गर्म है, कहीं उल्टा सीधा ना हो जाए, सारा किए कराए पे पानी फिर जाएगा मेरा बच्चा। सबको उस शख्स की फिक्र है, मेरी किसी को परवाह नहीं है। यहाँ पे आने से तो बेहतर था कि मैं कहीं और चली जाती। इससे ज्यादा अच्छा तो ये होता कि तू पैदा होते ही मर जाती। नहीं अब्बा, प्लीज ऐसा ना कहिए,
देर हो रही है आपा, प्लीज उठ जाइए आपा, चले। नहीं, मैं उस घर में घुट घुट के मर जाऊंगी। ऐसा मत बोल मेरी बच्ची, ऐसा मत बोल। नहीं अम्मा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अगर आप लोगों की सबकी यही मर्जी है तो फिर ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं टैक्सी लेकर आता हूँ, आप बच्चों को बुला लें। बात को संभाल लेना बेटा। बेटा मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं हाथ जोड़कर उससे माफी मांग लूंगी। अगर जरूरत पड़ी अम्मा, मैं उनके पैर भी पकड़ लूंगा, आप फिक्र ना करें। चलो आप जाओ बच्चे। जा बेटा, अल्लाह के हवाले। जानी ने अगर ये डिसीजन लिया है तो मुझे पूरा यकीन है वो उस पे स्टैंड भी करेगी। ये उसका गेम है। She knows that she was losing you. That's why. For God's sake, Liz, हम दोनों के बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी और एवरीथिंग इज फाइन नाउ, ओके? पीटर, वो तुमको कौवे का गोश्त खिलाया, इस वास्ते तुम्हारा कल घास खाने को गया। वो तुम्हारा जेनी हमारा मॉम को डिसलाइक करता है, एंड दिस इज अ ओपन सीक्रेट। प्लीज आफ्टर मैरिज मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकता है, वो तुमको इशारा करेंगी और तुम उसके सामने बंदर का माफिक डांस करेगा। अब मुझे समझ आया कि मॉम को सारी पट्टियां तुम पढ़ाती हो, खुद तुम लंदन में रहती हो और यहाँ हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय करने में तुम्हारा बिजी रहती हो। लग पीटर, तुम और जेनी जितना मर्जी जोर लगा लो, मैं ये मैरिज नहीं होने दूंगी। गेट इट? दिस इज माय चैलेंज। आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज, ओके? और मैं देखता हूँ कौन रोकता है मुझे ये शादी करने से। देखा तुमने, जवेरिया अपने किए पर नादिम नहीं है, उसने मुझसे माफी तक नहीं मांगी और ऊपर चली गई अपने कमरे में। भाईजान, भाईजान आपा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, खुदा के लिए उन्हें इस गलती की सजा ना देना। पागल हो गया खावर, अगर मैं उसे माफ नहीं करता तो इस घर के दरवाजे उस पर कभी नहीं खोलता। आप तो हीरा है भाईजान। नहीं बेटा, मेरा दिल बिल्कुल साफ है, मैं कीना परवर आदमी नहीं हूं। ऐसा करो, तुम दोनों ऊपर जाके सो जाओ, मैं लाउंज में बैठा हूं। वैसे भी नमाज का वक्त होने वाला है। नहीं भाईजान, हम घर जाएंगे, अम्मा और अब्बा हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अरे तुम, क्या जरूरत है ऐसे जाने की, तुम उन्हें फोन कर दो। मैं शाम को आऊंगा ना आपके पास, अभी जा सकते हैं। करम कर दे मालिक, करम कर दे। वैसे राबी मुझे बता रही थी कि आप अकाउंट्स मेंटेन कर लेते हैं। थोड़ा बहुत। तो अगर हमारे स्कूल का अकाउंट मेंटेन कर दें, आई पे यू फॉर दैट। वैसे तो आजकल मैं बेकार हूँ, मैं देख लूंगा, लेकिन आप पैसों की बात मत करें। All right. आप तो बहुत बहादुर हैं। मुझे लगता है मैं किसी जेल में कैद हूँ।
आपको लौट कर नहीं आना चाहिए था। तुम वहां थे नहीं ना, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हो। सारे के सारे घर वाले ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जान के दुश्मन हो गए। पिताजी मुझे तो फोन। हेलो हेलो पिताजी, पिताजी मैं आपकी छोटी बेटी निर्मल। पिताजी आप कहाँ चले गए थे, क्यों हमें छोड़ के चले गए थे पिताजी? कांच समझ के तोड़ दिया है तेरा दिल, रंग ला गया कमली ATV, सारे रंग हमारे।